Here we are, we lock down in different cities. Hello, idhar. बड़ा चला करो तो ये बस से चुना नहीं जी. कितनी सही बात लिखी है, टू एंजॉय नेचर कंजर्व इट. तो जी हो गया हमारा वैष्णो देवी का कंप्लीट और हम निकल चुके हैं अभी दूसरे सफर में. आज कहाँ जा रहे हैं? शिव खोड़ी मंदिर, जो मैं पहली बार ही जाने वाला हूँ. दीक्षा भी ऑलरेडी गई हुई है. दीक्षा गई है ना तू? कितनी बार? एक बार गई है. चलो फिर चलते हैं शिव खोड़ी. सफर हो गया है शुरू और सामने आपको दिख रहे होंगे पहाड़. हमने जाना है उस लोकेशन में. तो जी ये हम पहुंच चुके हैं अखनूर. और आप अच्छा ये वो मटके वाला? हाँ, मटके वाला दरिया है. अच्छा सोनी मेवाल की स्टोरी जो मटके वाली थी ना, वो इसी नदी में हुई थी. क्या ही व्यू आ रहा है यार. तो जी हमारी ट्रैवलिंग चली हुई है और हम एक मंदिर में पहुंचे हैं. कहते हैं कोई भी ड्राइवर अगर कोई भी गाड़ी लगती है तो इस मंदिर का मत्था टेकना ज़रूरी है. ऐसी चीज़ें हमारे हिमाचल में बहुत हैं. तो चलो मत्था टेकते हैं फिर निकलते हैं आगे. और पहाड़ियां देखो मेरे सामने, ये सब ग्लेशियर हैं. थोड़ी टाइम पर यहाँ पर बर्फ़ पड़ने वाली है. सो सिमिलर लाइक अवर हिमाचल. वाओ व्हाट अ ब्यूटी. जय माता दी. काली माता कहाँ? यही है शिव जी की मंदिर है. काली बड़ी बोलते हैं इसको, क्या बोलते? काली तार. काली तार जगह का नाम है, काली तार. अच्छा अच्छा अच्छा. यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है ये बताओ. मत्था देखना कोई आता जाता है, गाड़ी यहाँ पक्का रोकी भी रोकेगी, इसकी इतनी मानता है. कोई बस भी आएगी ना, कोई आर्मी दुकान वाली आके वो भी यहाँ पक्का दोगे. नहीं रुको ना तो फिर दिल में थोड़ा कुछ जाए तो कुछ ऐसे. अच्छा वहाँ रुके नहीं, कुछ होना जाए कुछ होना जाए. हाँ दो मिनट हाथ में ले लेता है. अरे नीचे मत फेंको ना. हेलो इधर. बड़ा चला करो तो ये बस से चुना नहीं. हेलो उसको पका रहा है. पका रहा है वो क्यों आया है? क्या बना रहे हैं? इनकी पार्टी जा पूजा कर जाएंगे पार्टी बाद दूसरे पार्टी वाला पक लेंगे. ये बीजेपी है. क्या खा रहे हो? मैं खा रहा हूं जी. अभी हमारा ब्रेक हुआ है थोड़ी देर के लिए कालीधार में. अमेजिंग टेस्ट बर्फी यहाँ की बहुत फेमस है, बर्फी और पनीर. तो जी ये सामने का व्यू और अभी शिव खोड़ी को पहुँचने में लगेंगे ऑलमोस्ट 25 किलोमीटर अभी बाकी है यहाँ से. हालत हो रही है खराब. I wish I could get there. I don't know how. इसने कहाँ फेंक दिया यार ये. इस सामने पड़ा हुआ पत्थर, जेसीबी की खुदाई हो रही है. क्या सही घूम रही है यार. वो सीखे सारे घूम रहा है ना, हाथ को दबा के. हो रहा है हमारा रास्ता साफ. तो जी फाइनली हमारी यात्रा हो गई है शुरू. शिव कौड़ी जम्मू कश्मीर हो गए. हम जा रहे हैं अपनी सिक्योरिटी चेक करवाने. चलो चलो चलो. क्या ही बात है.
तो जी यहाँ की यात्रा है 3.5 किलोमीटर भवन। तो मम्मी डालेगी मछली को खाना, हमें पहुँचना भी ऊपर, यही मत खेलते रहना अब। चलो डालो मछलियाँ है ना कितने। तो जी सफर हो गया हमारा शुरू, यहाँ पे भी आपको घोड़े मिल जाएंगे भाई। घोड़े घोड़े का क्या प्राइस है ऊपर तक? 500 ऊपर जाने का, आने जाने का। एक साइड का 300 अभी भी बता दूँ। एक साइड का क्या है? एक साइड का भैया 300 ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे 200। अच्छा चलो। गणेश कुकी पर्वत सामने आपको गणेश का मुख दिख रहा होगा, ये दो कान और ये उनकी सुन। चलो जी, ये ट्रैक भी काफ़ी अच्छा लग रह रहा है और ऐसी जगहों में आके काफ़ी अच्छा लग रहा है। जय माता दी। तो जी यहाँ पे हो रहा है हमारा लंच, बहुत ही प्यारी सी लोकेशन में, सामने जा रही एक नदी और ये पहाड़। कब मिलेगा किस पहाड़ से कोई रास्ता है, लग रहा है कुछ। तो चलते हैं ऊपर, फिर देखते हैं कैसा लगता है ऊपर जाके। जय भोले, जय भोले, जय भोले, हर हर महादेव। चलो चलो चलो, हर हर महादेव। ले ले इसको पत्ता खिला, ले ले ले। तो जी फाइनली हम शिवपौड़ी महादेव के दर्शन में पहुंच गए हैं। तो आपको दिखाते हैं दर्शन, सॉरी गुफा के दर्शन करवाते हैं। और भीड़ भी काफ़ी है क्योंकि आज जैसे कि है मंडे, मम्मी भी हमारे साथ पैदल चाहिए। तो मम्मी भी फाइनली हमें यहाँ पहुँचा दी है। मम्मी पूछिए, तो जी हम पहुंच चुके हैं शिव खोड़ी गुफा के पास। अपना प्रसाद बंदरों से बचा के रखे, बंदरों से। अभी कह रहे हैं कि अंदर नहीं जाने देंगे, मोबाइल दर्शन हो जाएंगे, दर्शन हो जाते हैं अभी थोड़ी देर के लिए। तो चलो मोबाइल हो जाएंगे जमा और अपना प्रसाद बंदरों से बचा के रखें। मिलते हैं आपको दर्शन के बाद। जी ये रही गुफा शिवकोड़ी, जो हमारे दर्शन हो गए हैं और बहुत ही प्यारे दर्शन हुए। मैं बताता हूँ बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था आपको, मैं थोड़ा देर में आपको एक्सप्लेन करता हूँ अपना एक्सपीरियंस। तो जी हमारे शिवकोड़ी के दर्शन हो गए हैं। सॉरी यार अंदर मोबाइल अलाउड नहीं था, अगर होता तो मैं आपको एक्सपीरियंस कराता, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। दीक्षा कैसा लगा? दीक्षा तो ऑलरेडी यहाँ पे आ रखी है, मेरा तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। और मैं बता दूं आप यकीन नहीं करोगे कितनी पत्थर, दीक्षा हाथ से बताना कितनी पत्थर डिफरेंट था
ऊपर पतली है नीचे मोटी है। नहीं नहीं जब निकले हम साइड से इतनी सी पतली से सोचो इतना मोटा पेट निकल गया यार। हम तो थोड़ी बीच में सफोकेशन हुई थी पर इसका बेस्ट एक्सपीरियंस और अंदर जाके जो गुफा थी ना बहुत ही शानदार थी यार। बाकी बहुत बढ़िया हुआ दर्शन। तो चलो फिर चलते हैं आगे। यहाँ से अमरनाथ के लिए गुफा जाती है, गुफा कभी खत्म नहीं होती है। हाँ मैंने वो भी देखी अमरनाथ तक। अगर देखिए ना कुछ फोटोज डाल दूंगा वो देख लेना आप। चलो फिर चलते हैं नीचे और फिर देखते हैं आगे क्या करना है। चलो तो जी मम्मी जी भी गई हमारे घोड़े में वापस। भैया आराम से लेके जाना पकड़ के। अरे आप पकड़ लो भाई। आपका नाम क्या है पहले नाम बताओ अपना। आपका स्कूल में जाते हो? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? कौन सी क्लास में जाते हो पढ़ते हो? कौन सी चलो एक जी कितनी सही बात लिखी है टू एंजॉय नेचर कंजर्व इट। तो जी हमारी शिव पौड़ी की भी यात्रा संपूर्ण होगी, वैष्णो देवी की यात्रा संपूर्ण होगी। पैरों में हो गई है पूरे क्रैम्प पड़े हुए हैं। चलो मैं पैरों में शिन पेन बैक पेन ये देखो एक और आ गया भाई हमारा। पर जी तो बैग खुलने नहीं है। स्कूल जाता है? स्कूल जाता है फिर साथ में चल थोड़ा वहां तक चल सब पे मान ले। स्कूल जाता है? स्कूल जाता है मैंने ऊपर जाना है गंदा। कौन सा पढ़ता है फर्स्ट में? ये लो लो नहीं इधर आओ पहले इधर आओ। गंदी बात होती है ऐसे बेटा। सुनो सुनो पढ़ाई करो अच्छे से पढ़ाई करो जॉब करो पैसे नहीं मांगते किसी से। घर वाले नहीं भेजते चीप जी खाने के लिए हो जाते हैं उसको टॉफी खाएगा जाके। तो चलो फिर अभी निकलना है चंडीगढ़ फिलहाल और कोशिश करेंगे 3-4 बजे सुबह पहुंच जाए। दीक्षा की होगी छुट्टी इधर कहीं कोई कोई छुट्टी नहीं हुई है। नहीं नहीं छुट्टी हो गई है। तो चलो फिर मम्मी तो नीचे पहुँच गई होगी शायद। मम्मी से मिलते हैं उनसे थोड़ा पूछते हैं कैसा लगा उनको फिर करते हैं अपना ब्लॉग कंटिन्यू। चलो तो जी हमारी यात्रा हो गई संपूर्ण फाइनली हम पहुंच गए हैं नीचे। सो काफ़ी अच्छा रहा। अभी निकलना है चंडीगढ़। सॉरी हमारे दीक्षा मैडम अब मानोगे नहीं हमने ऑलमोस्ट कितने स्टेप चल दिए वैष्णो देवी और ये मिला के 14,000। दो मिनट ना बस कितने 14,000 स्टेप चल दिए। कैलोरी कितनी बर्न हुई? इतने आई थिंक रिसेट की है। पता नहीं यार कैलोरी रिसेट हुई है तेरी। 14,000 स्टेप दिखा रहा है पर मेरे को लगता है ज़्यादा ही होंगे इससे तो इतने कम तो नहीं होंगे। हाँ लगा लो 11 किलोमीटर कट रहा और 1-2 किलोमीटर एक्स्ट्रा लगा लो ऐसे ही 12-13-14-15-16 16.5 किलोमीटर हम चले हैं यार 2 दिन में। अच्छी खासी एक्सरसाइज हो गई है बॉडी की। ये बेचारे घोड़े की क्या हालत हो रखी है यार बेचारे कितने राउंड मारते हैं ये। चलो चलते हैं पार्किंग और मम्मी का लेते हैं सुख शांत लेते हैं मम्मी का क्या हाल है मम्मी के। चलो तो जी फाइनली हमारे सबको दर्शन वगैरह कंप्लीट और हम वापस निकल चुके हैं चंडीगढ़ के लिए और हालत बहुत बुरी टाइट है। मुझे पता है मैं कैसे गाड़ी चला रहा हूँ और मम्मी तो मस्त पीछे गाने सुन रही है अपने पै 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 लगा हुआ है तब से। और दीक्षा तेरे को कैसा लग रहा है? क्या करें बिल्कुल हमें जाने ही दे रहे थे कि मत जाओ रात को ड्राइविंग ये वो बट क्या करें अभी जाना तो ज़रूरी था। सो अभी ऑलमोस्ट हम होशियारपुर पहुँच गए और अगले 2-3 घंटे में हम अब चंडीगढ़ में आएंगे। तो चलो गाइस आपको ये ब्लॉग्स हमारे काफ़ी अच्छे लगेंगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो शेयर करो एंड चैनल को कर दो सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच जिन्होंने हमारे चैनल को किया सब्सक्राइब जो हमें प्यार दे रहे हैं हमारी वीडियो को लाइक करते हैं कमेंट करते हैं। एंड लास्ट जय माता दी बहुत अच्छा ट्रिप था। जय वैष्णो देवी आप भी एंड शिव कौड़ी आप अगर मिल सके अगर आप वैष्णो देवी जा रहे हो तो शिव कौड़ी भी जाके आइए ज़्यादा दूर नहीं है कटरा से हार्डली 50 किलोमीटर है और 3.5 किलोमीटर का ट्रैक है ये ज़्यादा बड़ा भी नहीं है जाके आइए इज़ अ गुड एक्सपीरियंस। सो
मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, बाय 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 बाय। चलो Thank you.